आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। मुहर्रम को लेकर सभी पुलिस कर्मी मुस्तैद। लोकेशन सासाराम रोहतास के। सासाराम में मुहर्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं पर भी किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सभी स्थानीय थानों को अलर्ट पर रखा है। शांति समिति के बैठक को लेकर सभी समुदाय के लोगों से बातचीत कर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की भी बातें कही गई है। उक्त बातें सासाराम एएसपी राजेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि सासाराम में पहला दाहा 11 तारीख को रखा गया है और देहाती क्षेत्रों में खासकर सासाराम सदर अनुमंडल में 10 तारीख को रखा गया है। उसी के मद्देनजर रखते हुए पूरी फोर्स को एम्प्लॉयमेंट किया है। चूंकि सासाराम में 9 और 10 तारीख को छोटी चौकी और बड़ी चौकी के थानों से जुलूस निकाली जाएगी, इस संदर्भ में फ्लैग मार्च भी कराया गया है। बाइट एएसपी राजेश कुमार सासाराम से हरिओम चौबे की रिपोर्ट। सासाराम में मुहर्रम को लेकर क्या तैयारी है? मुहर्रम को लेकर काफी तैयारी की गई है और सासाराम में पहला 11 तारीख को हो रहा है, जबकि देहाती जो क्षेत्र है सासाराम सदर अनुमंडल का, उसमें 10 तारीख को पहला, और उसी के मद्देनजर हम लोग सारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। सासाराम में 9 और 10 को छोटी चौकी और बड़ी चौकी का भी जुलूस है और यहाँ पर हम लोग फ्लैग मार्च भी करवाए हैं। 12 मिलिट्री फोर्स के जवान थे